सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आज मेरे साथ एक मेरा प्रिय छात्र है, इसकी कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे और कैसे इसने तैयारी की और कहाँ अभी ये पोस्टेड है। बलिया में टेक्नीशियन के पोस्ट पे है, ट्रेनिंग चल रही है इसकी और ट्रेनिंग के दौरान अभी कैसा ये अनुभव कर रहा है, कैसे इसने तैयारी की, जब ये एग्जाम देने वाला था तब इसके मन में कैसे कैसे विचार आते थे, कैसे किस सब्जेक्ट को ये पढ़ता था, ये सारी चीजें ये आपको बताएगा। मेरा प्रिय छात्र इसलिए है कि ये मुझे रोज मिला करता था और रोज मुझसे यही बातें किया करता था कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, और रोज हम इसको बोलते थे कि तुम्हारा हो जाएगा। तो सर 2018 वाला जो टेक्नीशियन की वैकेंसी थी उसी में इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ, ये ट्रेनिंग कर रहा है, बहुत अच्छा मोटिवेटर भी है, इसकी वीडियोस मैं कभी-कभी देखता हूं तो अच्छा लगता है। तो आज ये रसगुल्ला लेके आया तो हम सोचे चलो बच्चों को भी थोड़ा सा रसगुल्ला बांट दिया जाए। वाणी रूपी जो रसगुल्ला है, जो मोटिवेशन तुमको अंदर से भी चाहिए वो तुमको यहां से शायद मिल जाएगा। तो आइए मैं अपने परम प्रिय छात्र से आपको मिलवाता हूं और इसी से बात करेंगे, किस पोस्ट पे है, कैसे इसने तैयारी की, क्या बैकग्राउंड है इसका और कैसे कैसे इसने अपने उस पल को फेस किया जिस पल ये बहुत शायद फ्रस्ट्रेट हुआ करता होगा जैसे आप अभी हो रहे हैं, और कितना इसका कट ऑफ था, कितने लोग फॉर्म भरे थे और कैसे कैसे इसने पीटी मेंस वगैरह वगैरह पास किया, तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सर हम मिलते हैं। इसका मुझे नाम आज तक नहीं पता है, मुझे अभी भी नाम नहीं पता है, लेकिन मैं प्रकाश विकास सिंह नाम है इनका, और चेहरा से लेकिन मैं इतना जानता हूं कि शायद मैं मृत्यु सैया पे रहूं और मेरी आंख खुले तो मैं इसको जरूर पहचान लूंगा क्योंकि इतना करीब है ये मेरे दिल के। मैं कुछ कहानियां इसके साथ जो हुई घटनाएं जो क्लासेस की है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन पहले सुनते हैं सर इनसे कि अभी जो फ्रस्ट्रेशन का दौर चल रहा है, अभी जो एक बर्डन का दौर चल रहा है, इनके साथ भी गुजरा होगा तब इन्होंने कैसे हैंडल किया था। तो आइए सर विकास जी से मिलते हैं। पहले सर को सादर वंदन, और मैं बता दूं कि मेरी प्रिपरेशन जहां तक थी 2014 में हम सर पटना में आए, 2014 में संजो कहिए मोदी जी की सरकार बनी, दौर सर ऐसा आया धीरे धीरे प्रिपरेशन का ऐसा आया। मैं कंपटीशन में जब पटना में आया तो यहां लड़के, अब तो मैं गांव से आया हुआ था लड़का, और यहाँ का कंपटीशन मैं देखा लड़कों सब का, जो जुझारूपन देखा, जो पढ़ने की शैली देखा, मैं अपने आप को ऐसा समझने लगा कि मैं कहाँ हूँ अभी, कितना लेवल अभी हमको उठाना है अपना, मतलब लगता था कि बहुत कम लेवल है हमारा, बहुत ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। जी 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 जी। और एक दो लड़के का नाम सर हम इसमें ले जोड़ना चाहेंगे, एक मुंगेर का लड़का मनीष और पीयूष भैया वगैरह, उनका सानिध्य मिला हमारा, उन लोग के अंदर रह के वो मिला कि हाँ कहाँ पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, वो लोग गाइड किए। देखिए एक बात नोट कीजिएगा, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ये बहुत बड़ी बात इसने कही। तो धीरे ही धीरे वो सारे लोग बताते थे कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है तुमको, धीरे धीरे अपना लेवल धीरे धीरे ऊपर करना है और सेल्फ मोटिवेट होना है। यहाँ मोटिवेशन वीडियो आप लोग देखते हैं बहुत अच्छी बात है देखिए, लेकिन मोटिवेशनल के लिए आप जब तक सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे ना, एक तो डेमोरलाइज करने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, आपको सेल्फ मोटिवेट होना है। हमको वो एक रैंक लेना, एक सीट लेना है बस, आपकी तैयारी बेहतर होगी तो हम बता रहे हैं, हम 99.99% लड़के को ऐसे देखे हैं जो पटना में आके और ले के गए हैं सर, वो 0.1% एरर रहेगा वो आप मान के चलिए, मतलब 99% बच्चों का जॉब होता ही होता है। वेरी गुड सर, आपको एक दिन, क्योंकि आज भी आप चाहे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख ले, आप पढ़े, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड भी क्वेश्चन का देखते होंगे कि जो लड़का तैयारी किया हुआ है वो जाके 85+ मारता होगा, रिजल्ट किसका होगा, घर पे बैठने वाले लड़के का तो रिजल्ट नहीं होगा। 1,25,00,000 लड़के बैठे हैं एग्जाम में, इसका मतलब ये थोड़ी है 1 करोड़ अभी प्रेजेंट कितना हो रहे हैं और उसमें मेरिटोरियस कितने हैं सर, वो मायने रखता है कि आपकी तैयारी बेहतर है तो आपका एक रैंक, आपका एक सीट है वहाँ, ये मान कर रखिए कि एक सीट है। तो वही मैं तैयारी का, अपनी तैयारी का बता रहा था, 2014 से धीरे धीरे बढ़ता गया। और हाँ, क्लास करने में एक बड़ी सावधानियाँ बरतते हम कि बगल में सर का मेरा रूम, हम नीचे उतरते थे और सर उस समय प्लेटफॉर्म में थे, तो बहुत संयोग अच्छा था कि हम लोग के पास ही में सर बराबर मुलाकात होती थी, सर से हमेशा बोलते थे गुरु जी क्या होगा हमारा, ये बात है कि सर भी हमको बहुत मोटिवेट करते थे, बताते थे कि
तैयारी निरंतर करते रहो और क्लास में आते थे। और पढ़ने का सबसे बड़ा चीज़ सर में एक चीज़ देखे हम कि आपको ज़्यादा लेबर नहीं करना है, रोज़ पढ़ना है ये तो पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन ज़्यादा जो बर्डन होते हैं बहुत सारे के लोगों के पास जाओगे तो बहुत सारा लिखवा देंगे, एक बर्डन सा हो जाता है। और रूम पे जाके खुद लड़के बहुत सारे लड़के नहीं भी देख पाते हैं सर, सर के पास जाना है तो वहीं आप समझ आधा तो समझ जाओगे वहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप जाओगे रूम पे एक घंटा देखोगे, अगर एक सिलेबस सर फिजिक्स पढ़ाते थे हम लोग जाके बस एक घंटा बस देख लेते थे, उसके बाद ख़त्म, फिर नेक्स्ट रोज जाते थे पढ़ने, फिर उसका यही शेड्यूल था हमारा। इस तरह तैयारी बढ़ते गया, संजोग कहिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा सर, 18 में वैकेंसी आई थी, चार साल बाद। इतना पेशेंस भी रखना पड़ेगा अगर कॉम्पिटिटिव आप लड़के हो। कितना बड़ा बात ये बोल रहा है कि अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते तो आपके अंदर पेशेंस नाम की चिड़िया हमेशा होनी चाहिए। जी जी जी, अगर वो नहीं है तो एकदम गड़बड़ बात है। तो चलो सर, 4 साल वेट भी करना पड़ा, इसमें इस दौरान बहुत सारे फ्रस्ट्रेट लड़के हुए, आपके पास भी वो लड़के आएंगे अरे यार क्या होगा, हमारे पास भी लड़के आते थे सर, लेकिन आपको मोटिवेशन आपको खुद अपने आप को बनाना होगा, हाँ मेरा तैयारी है मेरा ही तो होगा यार, जब चार साल होगा तब 4 साल बाद आए 5 साल बाद आए मेरा ना होगा, हम सबसे हम लगे हुए हैं तो हमारा होगा, एक सीट मेरा है उसमें, इस तरह मान के तैयारी करनी पड़ेगी। और 2018 में ड्राइवर टेक्नीशियन की वैकेंसी आई और पीटी मेंस और साइको वगैरह, तो पीटी में तो अब जाहिर तौर पर बहुत सारे लड़के तैयारी करते थे तो देखते होंगे कि 42, 43, 44, किसी बोर्ड में 40 पे भी सर हुआ, पीटी का रिजल्ट 40 पे भी रिजल्ट हो गया, पीटी हुआ, आप समझ सकते हैं ना, उतने लड़के भरे हुए थे लेकिन 40 पे उठाया, 42 पे उठाया। बच्चे समझते नहीं, अभी तुम देखोगे मेरे पास बच्चे आते हैं सर आपने जो कट ऑफ जारी किया 55 से 65 तक का क्या उसमें हो जाएगा, तो हम कहते हैं यार एकदम हो जाएगा सर, लेकिन बच्चे अभी तुम बोलो बच्चे कहेंगे यार सर उसने तो 90 मार दिए, सर 90 मारते नहीं है वो लोग, 90 क्या करते हैं, 90 के साथ वो वही जानते होंगे, जो 90 मारते हैं उसमें 50-90 मारेंगे ना तो उसमें जान लेना कि 40 जान लिया कि नहीं होने वाला है, एकदम नहीं होने 10 जो लड़के 90 मारते हैं वो रीजनल मारते हैं 90, रियल वाला 90 10 ही होता है, 10 ही होता है, इसलिए आपको पीटी के लिए टेंशन नहीं लेना है, अगर आपको उस रेंज में मार्क्स अगर आ रहा है पीटी का, तुम अभी क्या एनालाइज करते हो इस बार, हमारा सर तो 55 से 60 मेरा ऑब्जर्वेशन है सर, एनटीपीसी का बिल्कुल, पीटी का सर 100% वही जाएगा सर, हम आपको याद होगा तुमको कि एएलपी पीटी के टाइम में हमने कहा था 35 से 40 जिसका आएगा उसका, बिल्कुल हमको भी बिलीव नहीं हुआ था, किसी को बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सर सबका जब हो गया तो सबका बिलीव हो गया। हम याद है सर हम जब पीटी पढ़ा रहे थे, मेंस में बच्चों ने एडमिशन ले लिया और पीटी में का रिजल्ट नहीं आया था और मेंस में बच्चे बैठे हुए थे मेंस के लिए, और जब अगले दिन रिजल्ट आया तो मैं हाथ उठाया सभी बच्चों का पीटी हो गया था, तो क्योंकि 35 से 40 नंबर पे उठा लिया, बिल्कुल। तो सर हमको सिर्फ ये बताओ कि अभी जैसे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, कैसे तैयारी करें, तो अभी उसको हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अगर बात करें तो जैसे ग्रुप डी में साइंस एक इंपॉर्टेंट रोल है, मैथ का रोल है, रीजनिंग का रोल है, स्टैटिक का रोल है, तो तुम मैथ के बारे में क्या कहोगे कि मैथ बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए अभी? देख मैथ लास्ट, हाँ मैथ का सर देखिए सिलेबस एक सीमित होता है, उसका एरिया होता है सर, तो सर मैथ तो आपका बेस, कहने का मतलब कि आपको मैथ तो आना ही चाहिए, एकदम आना चाहिए, मैथ तो समझिए आना ही चाहिए। आप बहुत सारे लड़के होंगे कि मैथ बहुत अच्छा होगा, लगभग 100 में लड़के में 70 लड़के का मैथ अच्छा होगा सर, लेकिन साइंस वही लड़के का 100 में से पूछिएगा तो 30 का अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि कंसेप्ट होता है साइंस के पास सर, आप जब तक नहीं समझ पाइएगा उस चीज को आप डिलीवर नहीं कर सकते। जैसे मैथ के लिए अगर प्रैक्टिस की बात करें तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि आप कोई भी किताब उठा लीजिए और फर्स्ट और सेकंड लेवल के 20-20 प्रश्न आप हर चैप्टर का लगा लीजिए तो आपके सवाल बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर, जो लड़के एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं वो लड़के जानते हुए कि क्या लेवल है मैथ का, 20-20 क्वेश्चन अगर हर चैप्टर से आप बना लेते हैं तो आपका काम एकदम इजी है। आप एक किस्मा क्वेश्चन मत छुओ, आप बिलीव करो सर आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपके सर क्वेश्चन आपके बने ना बने 100% लेकिन रिजल्ट आपका 100% बनेगा इसकी गारंटी। रीजनिंग में बच्चों को क्या करना चाहिए? रीजनिंग सर वही बहुत जो भी सेक्टर पूछ रहा है उसका बेसिक देखते जाइए, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है सर, यही लड़का तो गलती तो यही करता है, यही हम बार बार बोलते हैं रिसर्च नहीं करना है, नौकरी लेना है, जॉब लेना है सर, तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बिल्कुल लेकिन हम कहेंगे तो नहीं मानेगा, ई कह रहा है समझो कि अभी टेक्नीशियन है तो कम से कम इसकी बात तो मान लीजिए कि बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है। अब देखिए जैसे करंट अफेयर्स की बात होती है, तुम क्या, मेरा मानना है कि करंट अफेयर्स 3 तरीके के होते हैं,
एक वो जो आप कितनों पढ़ोगे तो नहीं बनेगा, एक वो जो थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ोगे तो बन जाएगा, आप देश का गृह मंत्री कौन है वो बन जाएगा, एक थोड़ा बहुत पढ़ने से बनेगा। तो करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुस जाना, जो अभी आज के दौर में एक साल तक जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं वही देखनी, जो ऐसा पूछ दिया उसको स्किप करेंगे, नहीं बनाएंगे। देखो एकदम सही, स्किप करेंगे उसको, ये नहीं कि अब उतना बनाए। अरे आप अगर आप 75 मार्क आते हो, 75 मार्क आते हो अटेम्प्ट, और उसमें तुम्हारा एरर 7-10 को एरर हो गया, 10 को एरर मार लिए, कोई रोक नहीं सकता, तुमको कौन रिजल्ट रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लोग 92-90 मार्क आ रहा है, उसका एरर अगर 30 को गिर गया तो क्या हो जाएगा फिर? आप यही नॉर्मलाइज, आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना था? मेरा नॉर्मलाइज सर स्कोर रॉ मार्क कितना था और नॉर्मलाइज कितना हो गया था और कितनी गलतियां? हाँ सर, मैं क्वेश्चन सर मारा हुआ था 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए, 92 अटेम्प्ट लिया था, कितनी गलतियां थी? 76 सर मेरा रॉ मार्क्स सही था। यानी 76, 4, 80, 10, 90 दो 92, यानी 16 क्वेश्चन रॉन्ग मार्क, 16 क्वेश्चन हम गलती कर दिए क्योंकि हमको पेपर इजी मिल गया था। नॉर्मलाइज होके कितना हो गया? और सर मेरा नॉर्मलाइज होके सर 70 तो रॉ मार्क्स आ गया था ना, और उसके बाद सर 4.26 मेरा नंबर बढ़ा हुआ था, यानी 70 रॉ मार्क्स था और 4.26 बढ़ा हुआ था, और थोड़ा और कम गलती करता थोड़ा और बढ़ता। तब भी बोर्ड में इनका कितना रैंक था? मेरा रैंक 179 सीट था, जिसमें मेरा रैंक सर 20वां रैंक है। अभी हम दिखा भी अभी हमको दिखा रहा था। अब सोचिए कि मात्र 70 क्वेश्चन सही करने के बाद इसका रैंक 20वां था उस बोर्ड में, तो कहने का मतलब ये वक्त पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम है। अभी भी आप टेंशन मुक्त रहिए, बस जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए तो आपका रिजल्ट हो जाए सर, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये सर जिसे कहने का मतलब खुद जॉब में आए सर, देखे बहुत सारा चीज देखे तो एनालाइज हम कर सकते हैं, लड़के नहीं कर पाते हैं, और खुद बोलने के बाद उन लोगों को विश्वास नहीं होता है, और ये खुद हम भी सोचते हैं कि कैसा बात है कि हम खुद ऑब्जर्व किए हुए हैं इस चीज को। आज भी सर कंपटीशन में आप 10,000 सीट ला के देखिए, 10,000 सीट ला के देखिए, उसमें जो पढ़ने वाला लड़का है वो 10,000 लड़के सेलेक्ट हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे, और फालतू के जितने बच्चे हैं सब घर। अच्छा सर एक चीज बता रहे हैं, अभी सर बिहार SSC का रिजल्ट, सॉरी STET का रिजल्ट हुआ था सर, उसको लड़के ही नहीं मिले। हाँ सही बात है, लड़के ही नहीं मिले जो क्वालिफाई कर पाए। एस्टेट का जो रिजल्ट आया उसमें क्या हुआ, लड़के ही नहीं मिले जो क्वालिफाई कर। सर मेरे बैच में जब बच्चे एग्जाम, बच्चे जो आते हैं बाहर में, हमको याद है कि 1/V + 1/U = 1/F देते हैं, सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी वैल्यू होती है, भिन्न का जोड़। मेरे दोस्त 10 में से 8 नहीं बना पाता है, तो कहने का 10 में से 8 नहीं बना पाता। तो अगर आपकी सारी चीजें अच्छी चल रही है तो आप बिलीव कीजिए कि आपका 1,00,000 सीट में रिजल्ट नहीं होगा, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये खुद हम ऑब्जर्व किए हैं। ना हम समझ सकते हैं। अरे सर आपको याद होगा तुमको कि जितना भी बच्चा था लगभग बच्चे का रिजल्ट हो गया था ड्राइवर टेक्नीशियन में फाइनल रिजल्ट। हम लोग क्लास में थे सर, आपने हाथ उठवाए हुए थे, याद है? सारे लड़के लगभग हाथ उठा दिए थे, मैक्सिमम जो भी लड़के दिए हुए थे सबका रिजल्ट हो गया, क्योंकि सर आप ही समझिए कि पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम है अभी भी। आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग भी अभी हाँ, लेकिन है क्या, पहले से वर्कआउट करना है। ये अगर 2014 से वर्कआउट नहीं करता तो फिर इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। देखिए हम लोग यूट्यूब पे आते हैं, प्रचार नहीं करते कि हमारा फलना बेचारा है, चिलना बेचारा, हमको अच्छा नहीं लगता, मतलब अंदर से बुरा लगता है। तो ऐसे ही हमारे बैचेस बन जाते हैं सर आप लोगों की दया से। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप हमारे पास पढ़े ना पढ़े, हमारा भी सेंटर है आर्ट्स एजुकेशन सेंटर, आपको प्लेटफॉर्म पे जब आप उतरिएगा रेलवे स्टेशन पे तो वहां से आपको सीधे आ जाना है मुसल्लापुर हाट में लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज के पास हमारा अपना सेंटर है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पास आके पढ़िए, भाई मेरे तू इलाहाबाद में तो इलाहाबाद में पढ़ ले, तू दिल्ली में तो दिल्ली में पढ़ ले, लेकिन अभी से लग जा। सही बात है, अभी से तुमको लगना हो, अगर आप नहीं लगते हैं तो फिर वहां से सर एकदम दिक्कत होगी। आपको हर हाल में अभी से लगना होगा ड्राइवर टेक्नीशियन या आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो। हम जैसे हम लोग में बहुत सौभाग्यशाली थे कि हमारे रूम के बगल में ही थे, हम लोग कोई भी डाउट होता था तो सीधे नीचे उतर के और सर का क्लास जैसे खत्म होगा, सर ये बात है, ये क्वेश्चन था, देखिए डाउट हो रहा है, तो हम लोग बराबर, और सर भी बोलते थे कि जहाँ डाउट हो तुम आके बिल्कुल पूछो हमसे, क्लास ओवर हो आके पूछ लो। तो सर के बाद अवसर भी रहता है तुम लोग सारे लड़कों के लिए, आप लोगों के लिए। नहीं नहीं खूब मन लगा के पढ़िए, और कहने का मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो रिजल्ट पढ़ने वाले बच्चों का होता ही है, डरने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है सर। मेरा शेर है, तू मेरा चीता है, तू जंग जीतेगा, इसकी हमें पूरी गारंटी है। और इस बार तो सर पूरा रेलवे हमारा है,
हम अगर रेलवे के किसी भी स्टेशन पे उतरे, हमने सर इन लोगों को कहा था कि अब चला जब हम हाथ देंगे ना तो 3 में से 1 ट्रेन हम रोक देंगे। इतनी मुझे भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि इतनी मुझे में काबिलियत दे कि मैं अब इस बार जो ड्राइवर टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है तो हर एक ट्रेन में मेरा एक बंदा हो जो मुझे चाहता हो, जो मुझे मानता हो, और मैं ऐसे हाथ दूं और रोक देना। तो कौन कौन ट्रेन में हाथ देंगे और तुम रोक देगा, जल्दी जल्दी से कमेंट करना। और मिलेंगे सर फिर से हम किसी नए बच्चे के साथ जो आपको 100%, ये सर मैं अपना प्रचार करवाने के लिए इसको नहीं लाया हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से सर लगभग सारे लोग कह रहे हैं कि हम अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो हम अपना प्रचार के लिए नहीं लाए हैं, हम बस इसलिए बच्चे को लाए हैं कि तुम्हारे अंदर एक अंदर से एनर्जी मिले कि तुम कुछ कर पाएगा। तो लास्टली इनका एक फाइनल कमेंट लेंगे और फिर इस सेशन को लास्ट करेंगे। एक फाइनल बच्चों के लिए क्या कहोगे? देखिए बहुत सारे लड़कों में एक चीज़ देखते हैं कि जो ये सरकार है सर, वैकेंसी को लेके बहुत सारी दुविधाएं लड़कों के दिमाग में। ये वैकेंसी लोग कह रहे हैं प्राइवेटाइज्ड हो जाएगा, ड्राइवर टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, तुम्हारा क्या कहना है इस पर? खुद मेरा क्योंकि तुम अभी रेलवे में है। हाँ एक बात सर है कि जो सीट कम करने की बात हो रही है कि जितने अभी तो सर 9.5 लाख में भी रेलवे में कर्मचारी हैं, तो सर्कुलर जारी होने वाला है, हमको भी ऐसी सूचना मिली है कि जो 50 के बाद जो एम्प्लॉई हैं उनको रिटायर किया जाएगा। तो जरा ये भी तो सोचिए कि जब 50 के बाद रिटायर जो होंगे तो वो सीट वैकेंट होगी तो किसको लेगा वो? वैकेंसी तो देगा ना, फिर से वैकेंसी देगा। लड़के यही नहीं समझ पाते हैं, कम कर रहा है, वैकेंसी भी तो देना। अच्छा बताइए ड्राइवर प्राइवेट से चलाएगा? क्या चलाएगा? प्राइवेट से किसी को उठा के ट्रेन पे बैठा देगा और ट्रेन चलने लगेगी? टेक्नीशियन प्राइवेट का होगा, जेई प्राइवेट का होगा, सर ऐसे नहीं होता है। आप क्यों नहीं समझ, सेफ्टी कैटेगरी की जितनी भी वैकेंसियां है सर, बिल्कुल वो आएगी। ग्रुप डी में वैकेंसियां कम हो सकती है सर, ये मान, जितना भी सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी है वो आनी ही आनी। कल मैं, मेरा दोस्त एक जेई है, उससे हम बात कर रहे थे, वो बोला सर समझिए इतना रिस्की है ट्रेन कि मतलब जरा सा मिस होगा तो क्या से क्या हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं है प्राइवेटाइज करना। हम ये मानते हैं कि कुछ छोटे मोटे ग्रुप डी पोस्ट वगैरह प्राइवेटाइज हो सकते हैं, लेकिन सारे पोस्ट नहीं हो सकते। सर एक चीज कह रहे हैं सर, 13,500 जिसे आया, मान लीजिए कि ड्राइवर टेक्नीशियन की उस समय आई थी वैकेंसी सर 26-27 हज़ार में भी, 20,000 दे, 17,000 दे, वैकेंसी बंद नहीं होने वाली है सर, ये हम भी जानते हैं, हमको भी मालूम है। वो प्राइवेट, अब ड्राइवर टेक्नीशियन को गार्ड को प्राइवेट करेगा सर, जुलूम हो जाएगा। एक दिन ट्रेन नहीं चलेगा मेरे दोस्त, इसलिए सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी हर हाल में देना ही देना है। एक सिंगल ड्रे प्राइवेट से इंटरव्यू लेके और उस बंदे को ट्रेन पे बैठा देगा, ये समझो कि किसी के बस की बात नहीं है मेरे दोस्त। इसीलिए आप लोग कंटिन्यूटी तैयार रहिए, आपका पढ़ाई में बना रहे और आप पढ़ते रहिए। अब ऐसे लड़कों से आप पॉजिटिव लड़कों के साथ रहिए, आपका माइंड भी बहुत अच्छा होगा, ग्रो करेंगे आप बस रोज आप जो बेसिक आपका है जो पढ़ते हैं वही का पढ़ते जाइए, धीरे धीरे ही आपका ग्रोइंग हो जाएगा, एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि कोई एग्जाम में बैठिएगा। देखिए कंपटीशन का कोई एक स्पेशली नहीं होता है कि रेलवे में, जब आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी वो चाहे कोई एग्जाम में आप बैठिएगा, आप रहिएगा उसमें कोई एग्जाम। इसलिए सर आपसे नम्र निवेदन। अच्छा रेलवे की अभी जो ड्राइवर टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में तुम क्या सोचते हो, मतलब आने वाली है, आ सकती है, क्योंकि 2018 में आई थी अभी तुमको अंदर का माहौल कैसा लग रहा है? अभी तो सर उसको करीबन साल भर आपकी फुलफिल में, क्योंकि गोरखपुर बोर्ड में सर एक ऐसा हुआ था कि 2 बार पंचिंग हो गई थी वैकेंसी, तो उन लोगों को सिकंदर देखिए सर, बहुत सारे लड़कों के पास इंक्वायरी था, नहीं देगा नौकरी, ये होगा वो होगा, जानते हैं शिफ्ट क्या हो रहा है सर, उन लोगों को दूसरे बोर्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा बच्चों को सर, आप क्वालिफाई कर जाएगा तो आप छोड़ दीजिए उसको, उसके बाद बोर्ड डिसाइड करेगी कहाँ आपको डालना है। हाँ 6 महीना में जो आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है उस साल भर में होगी। अच्छा वेटिंग वालों का कंफर्म होने का कोई चांस है क्या? देखिए सर अब वेटिंग का जिस नंबर बेसिस पे होगा, जैसे मान लीजिए सीट खत्म होगी उसके बाद सीट लेना होगा, उस बेसिस पे वेटिंग आता है। मान लीजिए कि 5 लड़के 5 सीट एक साल में अगर कम हुआ तो 5 लड़के में जो सबसे अच्छे नंबर होंगे उनकी होगी ऊपर, इसी बेसिस पे होती जाएगी सर। लेकिन होने के चांसेस हैं और नहीं भी हो सकते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो नई वैकेंसी मतलब हम कह सकते हैं कि 2021 लास्ट में या बिल्कुल बिल्कुल सर आ सकती है, ये वैकेंसी रुकने वाली नहीं है, मैं पहले भी बोला हूँ आपके वीडियो में सर। नहीं एकदम 100% सर, आइए और आप लोग खूब मिल के तैयारी करिए, जहां भी रहिए खूब मन से पढ़िए, और ये सारी बातें हटा दीजिए अपने दिमाग से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सर वैकेंसी आएगी, सेफ्टी कैटेगरी की सारी वैकेंसी आएगी, सबको मेरा प्रणाम है। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी बच्चे के साथ जो आपको आपके अंदर से मोटिवेशन लाएगा, आपका मोटिवेटर आप खुद हैं।
थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।